फैजाबाद धरना रिपोर्ट, आपको याद होगा फैजाबाद का एक बड़ा उस वक्त का कॉन्ट्रोवर्शियल एक धरना हुआ था जो टीएलपी ने किया। बहुत बयानबाजी पिछले 6-7 साल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस बारे में सुनी गई। बराए रास्त एजेंसीज को और एस्टेब्लिशमेंट को उस धरने का जिम्मेदार ठहराया गया, बार बार ये इस तरह की बातें की गई। लेकिन अब जबकि उस रिपोर्ट का एक हिस्सा सामने आया है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपनी उस पोजीशन से पीछे हट गई है। 4 लोगों का नाम लिखा है जिसमें उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, एसर इकबाल साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और जायद हामिद साहब जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, और आफ्ताब सुल्तान साहब डीजीआईबी, इनका नाम लेकर कहा गया है कि इनकी जानिब से कहा यह गया है कि उस फैजाबाद धरने में किसी स्टेट ऑर्गन यानी एजेंसीज या एस्टैब्लिशमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले माजी में बहुत औकात में बराए रास्त या फिर शुरू में इनडायरेक्टली भी बार बार ये कहा जाता था कि आप तो जानते हैं कि ये कौन कराता है, ये क्यों हुआ, उस वक्त के हालात क्या थे, इस पे आते हैं। लेकिन जो ही पाकिस्तान की सियासत में डील का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो लोग फौरन समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या और कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। असूल कुर्बान करके सियासी मफाद या जाती मफाद हासिल करना, हमारे मुल्क में आम फहम जुबान में इसको डील कहा जाता। पाकिस्तान की तारीख डीलों से भरी पड़ी है। डीलों का मतलब क्या रहा? मतलब रहा असूल कॉम्प्रोमाइज करके, अपना स्टैंड और पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करके सियासी मफाद हासिल करते रहना। तारीख ने एक चीज देखी कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जब उनको ये इस तरह की एक डील ऑफर की गई कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाए, उन्होंने कहा मैं तारीख के बजाय एक आमिर के हाथों मरना पसंद करूंगा, डील करने से इनकार किया और फांसी चढ़ गए, और आज भी उनका नाम जिंदा है। अगर मैं फैजाबाद धरना और इन बयानात को देखूं तो मुझे जाने क्यों दोबारा उसी का रंग इसमें नजर आता, और मुझे ये ऐसा क्यों महसूस होता है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ उस वक्त के वजीर आजम के बयान सुनवा दें जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा कि ट्रूथ कमीशन आने दें, ट्रूथ कमीशन में बताएंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। बार बार कहते रहे कि उसके पीछे कौन था। बहुत इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि आखिर क्या था कि हजारों पुलिस वाले 200-300 के करीब जो प्रोटेस्टर्स थे उनको नहीं हटा सके। यहाँ पर 6-8-10 हजार की पुलिस और नफरी मौजूद है और वो 200 अशखास को हटाने में नाकाम है, तो उसकी वजूहत क्या है? हकायक बड़े तल्ख हैं, इसलिए इनको ट्रुथ कमीशन के सपोर्ट कर दें ताकि हकीकत कम से कम आवाम को मिल जाए कि वो होता क्या रहा है। अगर आपके पास एफसी भी थी, रेंजर्स भी थे, तो आप क्यों ना हटा सके? ख्वाजा आसिफ साहब ने इस धरने को उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जारी जो एक कंस्पिरेसी थी, एक साजिश थी, उसी का तसलसल करार दिया और कहा कि ये उस वक्त कराया गया उन्हीं फोर्सेस की जानिब से, कराया गया हुकूमत के साथ मिलके जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। वो धरना क्यों हुआ, क्यों करवाया गया, क्या उससे नतायज जो थे वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे? धरना बेसिकली पीएमएलएन के साथ जो उससे कुछ 6 महीने साल पहले मियां साहब के खिलाफ जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये सारी उसकी कॉन्टिन्यूशन थी, उसका एक जारी और सारी जो है अमल था। ये बयान और पिछले 5 साल में बारहा इस वाकये का तस्करा होता रहा कि फैजाबाद धरना उस वक्त की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने, डिस्टेबलाइज करने के लिए करवाया गया और सियासी मकासद पूरे होने पर वो धरना खत्म कर दिया गया। बड़ी तनकीद हुई, तारीखी तौर पर तनकीद हुई। आपको याद होगा सो मोटो हुआ, उस सो मोटो की अमल दरामद के लिए एक और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट जो अब सामने आई है, आपको याद होगा 2016-17 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई, उनको नाहल किया गया, तो एक खलाई मखलूक का बड़ा जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। बहुत तनकीद की कि खलाई मखलूक है जिसने एक साजिश के तहत ये हुकूमत गिराई है। अदलिया पर बहुत तनकीद की कि 5 जज कैसे फैसला कर सकते हैं। बहरहाल ये तनकीद जारी रही कुछ अरसा। मुस्लिम लीग नून की पूरी जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे शहबाज शरीफ साहब जरा कम, उस वक्त इस चीज पर बहुत तनकीद करते रहे। फिर जिस वक्त जब डील हुई, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, तो ट्विटर भी मरियम नवाज शरीफ साहबा का खामोश हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब भी खामोश हुआ। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, जब ये स्पेस दोबारा खुली, डील खत्म हुई या डील तोड़ी गई, जिस तरफ से भी तोड़ी गई, उसके बाद एक मरतबा फिर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। इस दफा आसान इसलिए थी कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे। आपको याद होगा ये भी कहा गया कि उनकी हुकूमत
जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब ने गिराई थी और ये ऐलान गुजरांवाला में किया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, ये सौगात आप ही की थी हुई है। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जब ये ऐलान गुजरांवाला में कर दिया गया, बड़ी तनकीद की गई, बार बार इन जनरल्स के नाम लिए जाते रहे कि इन्होंने हुकूमत गिराई है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया मियां नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त की मुस्लिम लीग नून ने, और कहा कि वोट को इज्जत दिलाएंगे, अब असूल पर सौदाबाजी नहीं होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ अरसा बाद दोबारा एक सौदा किया गया जिसको हम डील कहते हैं। उस डील के तहत उस वक्त की हुकूमत को एक अदम एतमाद के वोट के जरिए गिराया गया। आपको याद होगा एक लॉन्ग मार्च उस वक्त की मुस्लिम लीग नून पंजाब से लेकर चली थी। जब गुजरांवाला पहुंचे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एक मरतबा फिर यह सवाल पूछा गया कि क्या आप उस वक्त के बयान पर कायम हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इधर ही गुजरांवाला शहर में दिया था, तो उन्होंने आगे से क्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि अध्यक्ष उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है, आप कहते हैं इमरान ने छुड़ाया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने छुड़ाया और उनका नाम भी लिया। क्योंकि हम डील्स की बात कर रहे हैं, मुल्क की सियासत की बात कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करें कि आखिर मुल्क की सियासत कैसे पैंतरे बदलती है, किस तरह असूल के तहत खड़ा होना सिर्फ इस बात पर मुनसर है कि आपको इसका सियासी फायदा क्या है। मुस्लिम लीग नून, जाहिर है उन्होंने अपना असूल वोट को इज्जत दो और दूसरे जो आइन के लिए उनके असूल थे वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन तरीके इंसाफ ये करके आ चुकी है। मसला ये हमारे मुल्क का कि हम सबक नहीं सीखते, हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। जिस चीज को एक असूल बनाया गया आज से चंद साल पहले, कुछ अरसा पहले मुस्लिम लीग नून ने वो असूल तोड़ दिया। क्या तरीके इंसाफ जो इससे पहले बेनिफिशियरी रही है इस तमाम की, आगे जाके वो भी क्या डील करेगी, कॉम्प्रोमाइज करेगी? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन अगर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, इस मुल्क को इन मसाइल से निकालना है, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, तो तमाम सियासी जमातों को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा, और वो फैसला ये कि वो डील्स नहीं करेगा। हमारे साथ